Why are you counting Sunday, boys? अरे फिर दो चार दिन और बढ़वा दो। अगर मैं चेयरमैन होता तो मैं 2-4 दिन की क्या, मैं तो कम से कम 1.5 महीने की छुट्टी पड़वाता। राइट लेकर राइटिंग लेटर राइटिंग इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। लेटर राइटिंग इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। It is an indispensable activity of human society. However, in the present time, with the boom in the method of communication, methods of communication, many of us don't have time to write letters. Telephone, fax, and emails have replaced letters. However, the formal letters are still in vogue. ठीक है, समझो बात को, पहले एक बार समझ लेते हैं इतना।
लेटर राइटिंग इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन, यानी रिटर्न कम्युनिकेशन की अगर सबसे अच्छी बेहतरीन फॉर्म है तो वो क्या है, लेटर राइटिंग है। इट इज एन इंडिस्पेंसेबल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी ह्यूमन सोसाइटी की एक अपरिहार्य, जिसे मोर एसेंशियल कह सकते हैं, वो जो है ह्यूमन सोसाइटी की सबसे अपरिहार्य एक्टिविटी क्या है, लेटर राइटिंग है। ऑलराइट, हाउएवर इन द प्रेजेंट टाइम विद द बूम इन द मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, आपको पता है कि मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में एक बूम आ गया है, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, जैसे कि टेलीफोन हो गए, या फैक्स हो गए, या ईमेल्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं, फेसबुक हो गई, मैनी ऑफ अस डोंट हैव टाइम टू राइट लेटर्स, हमारे हम में से बहुत से लोगों के पास टाइम भी नहीं है लेटर लिखने के लिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैनी ऑफ अस डोंट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग लेटर्स, यू नो दिस इज ऑल्सो द ट्रूथ, बिकॉज ऑफ दैट सम पीपल डू नॉट राइट लेटर्स, दे जस्ट रन देयर बिजनेस, दे जस्ट डू देयर वर्क by writing either short message service, I mean SMS, or some emails, or some fax, or some other methods of communication. But the people, those who are good at drafting letters, such people, however, see, however, the formal letters are still in vogue. I mean, formal letters की अगर आप बात करते हैं, तो वो आज भी fashion में हैं. किसमें हैं? वो आज भी चलन में हैं. तो देखिए, commerce, trade, and official correspondence. कॉमर्स, ट्रेड एंड ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस आर स्टिल कंडक्टेड two letters only, यानी कॉमर्स का काम, ट्रेड का काम, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस का काम, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनमें और भी एक दो चीजें जोड़ लीजिए, जैसे कि ट्रांजैक्शन की बात कर लो, चाहो तो जोड़ लो, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस थोड़ी साइड होना, एक मिनट मेरे को पब्लिक रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन कंप्लेंट ट्रांजैक्शन आर कंडक्टेड थ्रू लेटर स्टिल जोड़ लेना आज के संदर्भ से, ठीक है, नोट पर बता दो I'm coming just a minute. I'm bringing my laptop, okay? So you just don't shout.
हाँ जी नोटेड। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। Now write types of letters. Types of letter. There are two basic types of letter. Number one. Formal letter. Number two, informal letter. Okay, now again that formal letter. Since only formal letter is given in the syllabus, only formal letter will be asked in examination, so I'll teach you only formal one. First of all, I will tell you what is informal letter. Okay, I mean personal letters, like the letters we write to our friends, family members and relatives are called informal letters. And the letters written to government and non-government officials are called formal letters. All right. Now write types of formal letter. If you want, do you want to write informal letter? If you want to write, you can write letters written to friends, members of family and relatives are called informal letter. Okay, if you don't want to write, no issue. Now write types of formal letter. Formal letter are of following type. Number one, business letter.
नंबर टू ऑफिशियल लेटर, नंबर थ्री एडिटोरियल लेटर, नंबर फोर लेटर ऑफ एप्लीकेशन। दीज आर द टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स। मार्च वर्ष का क्या करते हैं? मार्च वर्ष का क्या? Yes, sir. Good. Now write first type, business letter. See, business letters are classified because these letters are classified in the following categories. Number one, here I should write business letter, make a bubble and then
इंक्वायरी, प्लेसिंग ऑर्डर, लॉजिंग कंप्लेंट, एंड देन कैंसिलेशन। ऐसे बादल बना के लिख दूं? सॉरी, ऐसे बादल बना के लिख दे? एज योर विश, मैंने थोड़ा सा स्टाइलिश कर दिया है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। पहले तो बादल क्या, क्लाउड बोल लो, बादल तो फिर क्या, ठीक है बादल बना लो। आई थिंक इट विल सर, हम क्लाउड बनाएंगे। क्लाउड बना लो, बबल बना लो, बॉक्स बना लो, व्हाटएवर यू फील गुड, सिंपली लिख दो। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे ए बी सी डी, बट यू नो सिंस यू पीपल आर क्रिएटिव, आई हैव लर्नड इट फ्रॉम यू ओनली, सो दैट के थोड़ा अच्छा करूं तो आपको अच्छा लगेगा। अगर यही कहीं किसी और क्लास में होता तो मैं सिंपल भी लिख देता, बट जस्ट टू मेक यू फील गुड आई ट्राई टू मेक इट क्रिएटिव। Okay, so I am not as innovative as you people. तुम्हारी क्लास में इतने innovative, इतने creative बच्चे हैं। हाँ? सबसे innovative अंजलि है सर क्लास में। अंजलि से भी innovative हैं। अंजलि से भी innovative आप जानवी की बात कर लो, and जानवी के अलावा अंशम को देख लो। There are many children who are more innovative. Yes, sir, अंशम की नहीं देखे। अंशम बढ़िया, अच्छा करती, बहुत बढ़िया करती है, बट ये है कि उसका थोड़ा सा फोकस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पर रहता है, इंग्लिश को थोड़ा कम ही इंपॉर्टेंस देती है। एंड आई डोंट फील बैड, मुझे भी ठीक लगता है, एटलीस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना चाहिए बच्चों को। उनसे बेटर दिव्या का देख लो, मनीषा का देख लो, प्रेजेंटेशन के मामले में मनीषा भी अच्छा करती है। अपने आर्यन भाई का देख लो, he is also good. Noted? Sir. Yes. Sir, आप पता है हमारे unit test कब होंगे? हाँ, unit test will be held from 7th of July 2021. डेट शीट आ गई सर? डेट शीट इज नॉट इश्यूड, इट विल बी इश्यूड। सर हॉलीडेज की और बताते हो? मंडे ऑनवर्ड्स हॉलीडे हम वक्त होगी सर। अबे टॉम मोर ओनली विल बी गिवन टू यू। सर ऑलरेडी होमवर्क किए थे ना, सब अपनी नोटबुक कंप्लीट कर देंगे। अरे राव साहब, राव साहब, यू आर ग्रेट, मे आई हैव इट नाउ? मे आई हैव इट और नॉट? Noted or not? Tell me. Yes, sir. Noted.
Points to remember. Now write points to remember. While drafting a business letter. ए हटा दो, एस लगा दो. नंबर वन, बी ब्रीफ. क्लियर. एंड टू द पॉइंट. Use separate paragraphs for separate topics. Paragraphs will be better. Paragraphs for separate topics. The first para should indicate the theme of the letter.
अरे आपने बोला ही नहीं विजिबल नहीं था। अरे इज इट विजिबल नाउ? यस सर, नोटेड डाउन। सर नहीं दिख रहा, नॉट विजिबल। हाँ आ गए आ गए आ गए। टेल मी ऑनेस्टली सर, सच में आ गए इस बार? सच में आ गए मतलब मैं कहाँ चला गया था? सर वो तो आप जानो कहाँ चले गए। ओके ओके ओके। मनीषा तेरी आवाज कैसे चेंज हो गई है? ठंडा पानी पी के। अच्छा अच्छा अच्छा। तेर स्कूल कब खुलवा रहे हो? 1st of July। पक्का? नहीं नहीं लास्ट वाले दो तीन पॉइंट को एक मिनट ओनली थ्री बिकॉज़ आई हैव टू राइट डाउन थ्री मोर ना। रिमेम्बर द following points sir, video nahi aa rahi, video nahi aa rahi, aa rahi hai sir, video aa rahi hai, kiske mein nahi aa rahi, kiske mein nahi aa rahi beta sir, muskan ha sir, muskan नाव सी मुस्कान, अब क्या कहते हो? ठीक है ये सर भाई है। रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट ब्लॉक फॉर्मेट, इफ इट इज नॉट विजिबल टू यू यू कैन लिसन इट। ओके देयर इज नो इंडेंटेशन, देयर इज नो इंडेंटेशन। Each block begins with the margin from the left hand side. Space should be left between sections between different sections between different sections
एंड पैराग्राफ। पंक्चुएशन मार्क्स इन द एड्रेस एंड डेट। हाँ जी नोटेड नोटेड और नॉट? यस सर। मनीषा सर बोल रहे हो? या आई वाज आस्किंग नोटेड और नॉट। हाँ सर कर लिया। सर ये आप कहाँ गए? सॉरी आप क्या मतलब कि साइड व्यू दिख रहा है सीढ़ियों वाला? नाउ एट फॉर्मेट एंड लेआउट ऑफ सर मैं देखूं कैसे सर 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 ये दूसरी वीडियो इस साइड चल हो गई दूसरी वाली साइड से। सर ये ऊपले वाले चीज दिख रही है मुझे तो। मजा आ गया ना? आपने क्या क्या देख लिया? चलो देखिए फॉर्मेट एंड लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सर वीडियो नहीं आ रहा। सर एक बार देखना आपका कैमरा कहाँ पे सेट है, वीडियो ही नहीं आ रही। क्या हो गया? आप तो सही कह रहे हैं, ठीक है आपका सब कुछ। नहीं नहीं सर वीडियो नहीं आ रही आपकी। हाउ मेनी ऑफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम टेल मी। हिमांशु यस सर आर यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम नॉट रिलेटेड टू वीडियो? सर वीडियो पाज नहीं रही, आपने वीडियो ऑन ही नहीं कर रखी। मैंने वीडियो क्या कर रखी है? ऑफ कर रखा आपने वीडियो। अरे यार रुक जा अभी करते हैं, रुक जा। अब देखो अब आ रही है। अब आ ठीक है। अब फॉर्मेट एंड लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर से एड्रेस, देन लीव अ blank line, okay, then that date, directly date, like 17 July 2021,
then again leave a blank line. Then write down receiver's address. Then again blank line. Then subject, then blank line, now you have to write down salutation. Alright. Now your content will begin from here on. If there is no space, no blank line will be there. And in content para 1, introductory or thematic, word limit near about 30 to 40, leave a blank line, then para 2, explanation, then again blank line, word limit of para 2 will be 70 to 80 words. See, according to the situation, this may also be divided into paragraphs, okay? And if you cannot divide it, is not a big problem, okay? Then para 3, conclusion. The total word limit is, then after that you have to write down courteous leave taking. Actually I don't have space here, so I'm writing here, okay? You do continue. Courteous leave taking, I mean shishtachar sambandhi shabd, jaise hum likhte hai na, I shall be highly thankful to you, grateful to you, thanking you. And then you need to write down subscription. Like yours truly. And then signature, name, and designation. Okay. This is the complete format of business letter.
सॉरी वीडियो क्लियर नहीं है, वीडियो क्लियर नहीं है सर, ब्लर आ रही है। ब्लर आ रही है, क्या बातें कर रहे हो, ब्लर आ रही है। Now is it fine or not? Dikshant, is it fine or not? No, sir. No, sir. Now what is the problem? Blur. Here I can see very clearly. Yes, sir. Ab aa gaya. Yes, sir. Noted. See the complete word limit of the letter is 120 to 150, and total marks 5. And if you divide the marks, it will be like format 1, content 2, grammatical accuracy 2. This way 5 marks are there, okay? Noted all of you? Yes, sir. Yes? सर ये जो डेट के पीछे कोमा लगाते हैं ये इसमें नहीं लगेगा? नो 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 कोमा विल बी देयर। हां इफ यू आर राइटिंग दिस फॉर्मेट, यू नो देयर आर टू फॉर्मेट्स ऑफ राइटिंग डेट। इफ यू आर राइटिंग लाइक जुलाई 17, देन यू हैव टू यूज कोमा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. In this case, you need to use comma. Otherwise, you need not use comma. If you are writing this traditional format, that is called British format. This one is British format and this one is American format. So while writing American, you have to write comma, because you know this 1 and 7 are in number and 2021 also in number. So we need to put a comma between them. But when you are using words like J-U-L-Y, letters, so I think it is not required. This is the thing. Noted? Yes, sir. Okay, so your time is over. I will send one or two questions solved, okay? You do them as homework, but before doing them, you have to write down the questions of the chapter, The Enemy, like NCERT questions and the questions that I sent you yesterday. Right? Then you have to do letter writing. Okay. Okay, bye all of you. Yes, sir. Thank you, sir. Bye all of you, please take care. Keep studying.